हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया है और अब इसी पर आपको सीधे चंडीगढ़ ले जाते हैं जहां पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हरियाणा का किसान जब दिल्ली जाता है, दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देता है, 2 अक्टूबर को भी आया, दिल्ली के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं, उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। और यहां ओम प्रकाश धनखड़ जी, ये वही ओम प्रकाश धनखड़ हैं जो कृषि मंत्री भी हैं, और ये वही कृषि मंत्री हैं जो किसानों के बारे में ऐसे ऐसे अपशब्द बोलते हैं। याद कीजिए 2015 में इन्होंने क्या कहा था कि आत्महत्या करने वाले किसान कायर हैं। अरे आपकी कमजोरी, आपकी विफलता, उसकी वजह से आत्महत्याएं हो रही हैं। आप अपनी विफलता नहीं स्वीकार कर रहे और किसान को कहते हैं वो कायर है। चलिए वो तो कहते हैं, कह रहे हैं। खट्टर साहब ने अभी मई 2019 में क्या बोला किसान के लिए कि ये मुफ्तखोर हो जाते हैं, इनको ऋण माफी नहीं देनी चाहिए, ये कामचोर हो जाते हैं। किसान को आप कायर बोलते हैं, किसान को आप मुफ्तखोर बोलते हैं, किसान को आप कामचोर बोलते हैं, और उस किसान के आगे फिर से वोट मांगने जाने की हिम्मत करते हैं आप लोग? किसान कभी भूलेगा नहीं हरियाणा के किसान पर कितना ऋण है, 47,606 करोड़ का ऋण है। पूरा सबका ऋण मिला लीजिए तो ये 47,606 करोड़। पिछले 5 साल में कितनी ऋण माफी हुई, 4,750 करोड़, 10%। 80% किसान हरियाणा के कमर्शियल बैंक से ऋण लेते हैं, मात्र 29% कोऑपरेटिव बैंक से लेते हैं। क्या आपने कमर्शियल बैंक्स वाले ऋण माफ किए? क्या उस दिशा में आपने कोई कदम उठाया? प्रश्न उसके बाद करिएगा। युवाओं के बारे में बड़ी बड़ी बात की इस बार, इनको युवा वर्ग से वोट मांगने के लिए तो अब सोचना भी नहीं चाहिए जो इन्होंने पिछले 5 साल में युवाओं के साथ किया। अगर देश में बेरोजगारी दर 8.4% है तो हरियाणा में 28.7% है, 3.5 गुना ज्यादा। यह हरियाणा के नौजवान की इन्होंने हालत की है। भारत में हरियाणा नंबर 1 पे है बेरोजगारी। तमाम राज्यों के आंकड़े अगर आप ले आए जहां कॉन्फ्लिक्ट है, उन राज्यों की भी अगर आप आंकड़े सामने रख लें तो भी हरियाणा नंबर 1 पे ले आए। 2014 में इन्होंने 5 करोड़ नौकरियों का वादा किया नौजवानों को, अब खुद बोलते हैं 72,000 नौकरियां दी, उसमें से भी 40,000 लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया, लिटिगेशन हो रही है। कितने पेपर लीक हुए, कितने 11 बच्चों की जान गई क्योंकि आपने दूसरे दूसरे जिलों में उनके टेस्ट रखे, उनको आने जाने का खर्चा, उनको रहने का खर्चा। यह है आपकी पारदर्शिता। 20-20 एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं और कहते हैं पारदर्शिता लाए। महिलाओं के बारे में तो करवा चौथ पे इन्होंने, हमने सोचा था वो कुछ उपहार देंगे, महिलाओं के बारे में आप इनका घोषणा पत्र देख लीजिए और हकीकत भी देख लीजिए। महिलाओं के प्रति अपराध इस राज्य में 42% बलात्कारों में बढ़ोतरी हुई पिछले 5 साल में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं। ये सरकार आंकड़े दबाने की बहुत चेष्टा करती है लेकिन आंकड़े निकल ही आते हैं। अनीमिया, खून की कमी का जो केस है, देश में नंबर 1 फिर हरियाणा है। 62.7% केसेस हैं अनीमिया के इस राज्य में पिछले 5 साल में। जो इन्होंने हालत की है स्वास्थ्य की, महिलाओं के स्वास्थ्य की, महिलाओं की सुरक्षा की, कुछ इस घोषणा पत्र या इस धोखा पत्र में उम्मीद की थी कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ मजबूत, कुछ सशक्त बात करेंगे जो समझ में आती है कि हाँ ये लागू कर पाएंगे। नहीं, महिलाओं के लिए ये कुछ नहीं कर पाए, ना ही कुछ करने की इनकी मंशा है। जो टिप्पणियां खट्टर साहब की आई पिछले 5 साल में महिलाओं को लेकर, भद्दी टिप्पणियां थी, मैं वो दोहराना भी नहीं चाहूंगा। मुझे नहीं लगता है इन्हें महिलाओं के वोट से कोई मतलब भी है, मुझे नहीं लगता है इनको महिलाओं का वोट चाहिए भी। कर्मचारियों से के साथ जो धोखा दिया है, हमारी जब सरकार थी तो सेवानिवृत्ति की जो आयु थी, रिटायरमेंट एज जो थी, वो 58 से 60 कर दी थी। ये आए इन्होंने 60 से फिर 58 कर दी। कर्मचारी अपनी मांगों के लिए कहीं धरना देता है, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप उस पर लाठियां चलाते हैं और फिर उससे वोट मांगने आ जाते हैं, क्या कर्मचारी आपको माफ कर देगा?
हरियाणा का वोटर, हरियाणा की महिला, हरियाणा का किसान, हरियाणा का कर्मचारी, हरियाणा का बेरोजगार नौजवान गुमराह होने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा, मैं ज्यादा इसमें नहीं खुलासा कर रहा हूं क्योंकि लंबा नहीं होना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षा का, कांग्रेस की सरकार ने 1950 नए स्कूल बनाए थे, यह रिकॉर्ड है। इनकी सरकार ने नए तो छोड़िए, 750 स्कूल बंद कर दिए, वैसे 817 बंद करने की मंशा है, वो भी बाकी भी बंद होने की कगार पर हैं, 750 पे ताला लग गया। शिक्षकों की संख्या घटाकर 21.7% से घट गई, 1078 कॉलेज कांग्रेस सरकार छोड़कर गई थी, 1038 बचे हैं, ये भी सबके सामने है, ये आंकड़े सार्वजनिक हैं। आर्थिक दृष्टि में मैं दिल्ली में रहता हूं, पास ही में मानेसर और गुड़गांव का औद्योगिक इलाका है, 700 इकाइयां ऑटोमोबाइल सेक्टर में, सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में 700 इकाइयां बंद हो गई। मारुति, जिस पर पूरे देश को गर्व था, हरियाणा ने देश का नाम रोशन किया था मारुति प्लांट में, वो मारुति प्लांट सितंबर में उन्होंने कई दिन नियत कर दिए कि अब प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि मांग कम हो गई। ये इन्होंने आर्थिक रूप से जो हरियाणा पर हमला बोला है, पूरे देश पर बोला लेकिन हरियाणा पर उसका असर बहुत ज्यादा गंभीर हुआ है। सितंबर में मारुति में लगभग 34% प्रोडक्शन में कमी आई है, लाखों लोग बेरोजगार सिर्फ इस बेल्ट में हुए हैं, पूरे हरियाणा की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक औद्योगिक बेल्ट की बात कर रहा हूं। पूरे पेंशन की बात इन्होंने, हमने सोचा था कुछ पेंशन पे कहेंगे, एक लाइन में उसमें भी कुछ खास बोला ही नहीं, महंगाई के से जोड़ देंगे। अरे साहब, हमारा संकल्प पत्र देखिए, हमारा रिकॉर्ड देखिए, अपना रिकॉर्ड देखिए, सर झुक जाएगा शर्म के मारे। पूरे देश से मुख्यमंत्री बुलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को बुला रहे हैं, हरियाणा में आकर आप चुनाव प्रचार करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं, हरियाणा का बेरोजगार आपसे उम्मीद लगाए बैठा था कि आप उसके बारे में भी कुछ बोलेंगे, हरियाणा का किसान आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा था कि आप उसके बारे में भी कुछ बोलेंगे, हरियाणा की महिलाएं आपसे, आपकी इंतजार कर रही थी कि मोदी जी भी आएंगे, शाह साहब आएंगे और वो अजय सिंह बिष्ट जी आएंगे उत्तर प्रदेश वाले, वो भी कुछ बोलेंगे। कोई हरियाणा के विषय में बात नहीं कर रहा, सब अमेरिका की बात कर रहे हैं, चीन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अरे हरियाणा में आइए, हरियाणा की बात करिए, क्यों इतने स्कूल बंद हुए उसका जवाब दीजिए, क्यों नौकरियां छीन ली आपने उसका जवाब दीजिए, क्यों दलितों पर इतना अत्याचार हो रहा है उसका जवाब दीजिए। कितनी बार ये बरगलाएंगे, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है सर, बार बार नहीं चढ़ती। इसके संबंध में जो प्रश्न हो, मैं पूरी प्रयास करूंगा कि उनके उत्तर मैं दूं। मेरे साथ रंजीता जी हैं, केवल जी हैं, रोहित साहब हैं, जैन साहब, हम सब मिलकर उसका उत्तर जरूर देंगे। हमने ना केवल वापस करने की बात की, राजस्थान में हमने वापस किया और गर्व के साथ कहते हैं कि वापस किया। क्या सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का, जिनके पास डिग्री है, मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री जी की डिग्री कहाँ है, कितनी है मुझे नहीं मालूम, जिसको जानकारी हो मुझे बता दीजिएगा। देश भर में कोई मिला नहीं मुझे जो प्रधानमंत्री जी के साथ पढ़ा हो, तो क्या उनका अधिकार नहीं हो प्रधानमंत्री रहे?